राजीव जी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए जानते हुए कि मेरी जान को खतरा है ये बात भी कही गई, उन्होंने कभी अपने उसूलों से जो उनके शांति के सिद्धांत से उनसे समझौता नहीं किया। अभी डॉक्टर रियाज साहब ने कहा कि राजीव गांधी से मेरे बहुत पुराने संबंध रहे, करीब जितने दिन वो प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस के महामंत्री रहे, मैं उस समय संसद सदस्य था और उन्हीं के कार्यकाल में मुझे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री बना के भेजा गया। मुझे याद है जैसा मेरी बहन ने कहा, मुझसे जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं हमारे विचारों से सहमत लोग जो हैं वो राज्यों में जाए और राज्यों में बैठे। मैंने कहा था उनसे मैं यहाँ संसद सदस्य हूँ, मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लोकतंत्र के सबसे ऊंचे सदन में बैठने का मौका मिल रहा है, मुझे लोकतांत्रिक तजुर्बा हो रहा है, डेमोक्रेसी कैसे रन करती है, कैसे चलती है, हमारे जनतंत्र में किस तरह के इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरी रुचि इसी में है, मुझे यहीं रहने दीजिए। तो राजीव जी ने मुझसे कहा था सिद्धे जी मैं चाहता हूँ जैसा मैंने पहले ही कहा कि मेरे विचारों से सहमत लोग जो है वो राज्यों में जाकर बैठे। अभी 20 साल आगे की राजनीति, यानी उनके जहन में 20 साल के आगे का हिंदुस्तान, और यही एक बात है जिससे हम कह सकते हैं कि वो एक स्टेटमेंट थे। उनके आपने आगे गाने चुनाव की ज्यादा परवाह नहीं। मैं उस वक्त संसद सदस्य था जब ये तय किया उन्होंने कि हम युवाओं को अधिकार देंगे वोट के लिए। आप जानते हैं 21 वर्ष के ऊपर ये अधिकार मिलता था। राजू जी ने कहा नहीं 18 वर्ष के ऊपर ये हम अधिकार देंगे। हमारे ऐसे लोगों ने, क्योंकि वो तो दूरदृष्टा थे, उनका विजन बहुत, उनका फलक बहुत चौड़ा था, बहुत लंबा था, सारे विश्व का भ्रमण तो उस वक्त तक उन्होंने नहीं किया था, लेकिन जिस परिवार से जिस परिवेश से वे आते थे वो विश्व शांति में विश्वास करता था और दुनिया का सारा तजुर्बा, चाहे वो हमारा फ्रीडम मूवमेंट हो जिसमें जवाहरलाल जी ने योगदान दिया, इंदिरा जी भी अपनी युवा अवस्था में थी, बच्चों की स्थिति में भी उन्होंने अपना योगदान दिया और बाद में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने देश को बचाने के लिए और देश को बढ़ाने के लिए अदा की, उसके बारे में ज्यादा कहने का वक्त नहीं। लेकिन वो जो एक पारंपरिक जो एक